मैं एज अ प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर जो है जब वो फिल्म बनाता है तो उसके एक कहानी अच्छी लगती है सबसे पहले, फिर उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है और वो करोड़ों, आज की तारीख में आप फिल्म बनाने जाओ तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये मैं 40 ईयर से फिल्म बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ 72 फिल्म बनाई अब तक। मेरी पहले भी काफ़ी फिल्में मैंने जो भट्ट साहब के साथ बनाई, सड़क हो या सखम हो, हमने सेंसर के साथ हमारी काफ़ी डिफरेंसेस हुए, मगर ये जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। ये तो जो 10 तारीख को हमारे प्रोड्यूसर्स ने अप्लाई किया सेंसर के लिए, एग्जामिनिंग कमेटी के लिए, 10 मई को अप्लाई किया एक पिक्चर जो 17 जून को लगने वाली है, और जो CBFC की जो फंक्शनिंग है उन्होंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया कि इसको कैसा पहले देखना अवॉइड करें। वो डेट ही नहीं दिए कि एग्जामिनिंग कमेटी कब देखेंगे, वो फाइनली 10 तारीख को अप्लाई करने के बाद 18 मई को पिक्चर देखती है, फिर उसके बाद बोलती हैं कि भाई हमारे कोई डिसीशन मेंबर्स में नहीं हो रहा है, कोई लिख के नहीं दे रही है, ताकि अगर लिख के दे तो प्रोड्यूसर आगे बढ़ सके, वो ट्रिब्यूनल के पास जाए जो एक उसके पास एक रास्ता है बचने का, वो उसको रुका गया, फिर वो मजबूरन उसको आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं है रिवाइजिंग कमिटी जो हमारे चेयरमैन के हाथ में है रिवाइजिंग कमिटी। ये पूरा एक मैनिपुलेटिव गेम, एक पूरा सिस्टम, एक गलावा सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है हमारे CBFC में, जो मैं शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। और ये जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आज एक दिन दहाड़े प्रोड्यूसर को रैंसम पे होल्ड किया जा रहा है, उसको आज अभी 2 घंटे पहले लेटर मिला है कच्च का। आज तारीख क्या है, आज 8 तारीख है, पिक्चर रिलीज हो रही है 17 तारीख को, एक हफ्ते पहले ओवरसीज की डिलीवरी देनी पड़ती है, और हमारा जो चेयरमैन है सेंसर बोर्ड का वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, उसको सब पता है ये। तो उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पे बैठता है तो शर्म की बात है उसके लिए और हमारे लिए भी। आई अपील टू द मिनिस्ट्री दैट ही शुड बी रिएक्ट टू दैट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आई हैव नॉट टेकन एनी मनी, बट इट्स लाइक आई इवन फील अशेम्ड डिफेंडिंग माय सेल्फ। मतलब ऐसा कि कोई आदमी ऐसे कैसे आके उठा के बोल सकता है, काश कि मेरे को कोई बहुत सारे पैसे दे दे, मेरे को बहुत सारे आइडियाज बचे हैं फिल्म बनाने के लिए, मैं सारे फिल्म बना दूंगा। अनुराग It's not the first time I've been called that, right? And you are the media. You are the media. You know, you can answer this question more than me. That do I really pick your calls or do I really reach out to you? How many people can say that I always take their calls? Anurag, aap se... That answers the question. Anurag. That I think I made absolutely clear. With me, Pehla Jalani, I don't talk to him at all. I do not talk to him at all because for me, I don't want to go through the humiliation of talking to him. अनुराग आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं अभी, क्योंकि अब 16th को जैसे मुकेश जी ने बताया कि 16th तक वो नहीं है, जज नहीं है, तो फिल्म का स्टेटस क्या है अब, फिल्म कैसे रिलीज होगी? अभी हम लोग जब इस मीटिंग में बैठे हैं तब हमें अभी रिएक्शन आया कि FCAT के जो जज हैं वो बाहर हैं, वो 16th तक नहीं है अभी, उसके बाद हमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे हम लोग वापस जाके अभी डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने आपको कोई गाइडलाइंस दी है कि अभी की अभी या वही है 89 कट्स की जो बात हुई थी और उड़ता पंजाब में वो जो हमारे जो अभी सारे जो सो द इंफॉर्मेशन इज बेटर टू प्रोड्यूसर, लाइक आप भी अगर बता दें कि ये सब अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो 17th को फिल्म रिलीज होगी। प्रोसेस इज FCAT आस्क्स द सेंसर बोर्ड टू गिव द डिटेल्स ऑफ देयर ऑब्जेक्शन एंड सेंसर बोर्ड विल सेंड द डिटेल्स ऑफ देयर ऑब्जेक्शन टू FCAT। अनुराग अनुराग यो अनुराग, वुड यू थिंक ऑफ डिलेइंग द मूवी द रिलीज?
Anurag, what about the release date? Would you think of... Why are you shouting like this? Easy, take it easy. Okay. Would you think of postponing the release date? See, I think it's a question better answered by my other brother. They say we are still going to try to release it on the 17th. So rest everything else, it as per the process. Finally, we have got the letter. Now we are allowed to participate in the process. So let's see how it goes. That was 1.5-2 years back. It was reported. Are you disappointed right now with the way the MOA is? Absolutely. I think my disappointment was pretty clear yesterday. I said I'm disappointed. In the light of what Anurag has said, I want to ask Anurag a very interesting question, and which is very important for all of you to know, because I want to call the bluff of Mr. Palaj Dilani, his vicious way of moving things. I want to ask him a very simple question in front of the media. Today is, what's the date today? Everybody.